एडिनोमायोसिस की सर्जरी उन पेशेंट्स के लिए जिन्हें अभी प्लान करना है एडिनोमायमेक्टमी कहलाती है। ये मोस्टली उन लोगों के लिए, ये एक्चुअली लास्ट 10-15 इयर्स में ही ये सर्जरी ट्रेंड में आई है, और इसमें बेसिकली ये उन लोगों के लिए जिनमें मेडिसिन इंजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं लोकली जिस एरिया में, और मोस्टली ये लोकल एडिनोमायोसिस में हेल्पफुल ज़्यादा है। डिफ्यूज एडिनोमायोसिस जिसमें पूरा यूट्रस बड़ा हो गया है उसमें सर्जरी का कोई ऐसा खास रोल होता नहीं है। ये सिलेक्शन कि आपको मेडिसिन से बेटर होगा या मेडिसिन यूज करने के बाद नहीं ठीक हो रहा है आप सर्जरी के लिए ऑप्ट करना चाहिए, ये चीज डिसाइड करने वाले आपके सर्जन होते हैं। इस सर्जरी का निश्चय कि ये सर्जरी होनी है कि नहीं, पेशेंट की एज, कितने समय से उसे इनफर्टिलिटी है, क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट ट्राई किया जा चुका है, क्या चीज से कंट्रोल नहीं हो रहा है इस सब के हिसाब से, और अदर फैक्टर्स क्या है इनफर्टिलिटी के, ये सारी चीजें देखते हुए एडिनोमायमेक्टमी की सर्जरी का निश्चय लिया जाता है। अब यदि निर्णय लिया गया कि एडिनोमायमेक्टमी की जाने वाली है तो इसमें एक पार्ट यूट्रस का निकाल दिया जाता है और यूट्रस को फिर स्टिच कर दिया जाता है, और 3 से 4 और हो सकता है 6 महीने के गैप के बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। एक बहुत जरूरी चीज है, ये सारी चीजें जानने के बाद में आपको लगा होगा कि एडिनोमायोसिस के पेशेंट्स को यदि डायग्नोस हो गया है, एक तो डायग्नोसिस अर्ली जरूरी है, और डायग्नोसिस हो गई है और अभी बच्चे नहीं हुए हैं तो बहुत जरूरी है कि आप हायर ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट करें, बिकॉज साइंस ने केवल 5वें दिन तक के बच्चे बनने की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है ह्यूमन बीइंग को। 5वें दिन के बच्चे के बियॉन्ड हम बॉडी के बाहर बच्चे को बड़ा नहीं कर सकते हैं, वो आपके यूट्रस को ही बड़ा करना पड़ेगा, और यदि यूट्रस में दिक्कत शुरू हो गई है जिसकी कोई सर्जरी अलग से गांठ निकाला नहीं जा सकता है, वो पूरे यूट्रस में हो रही है, तो उन केसेस में इम्प्लांटेशन रेट इवन IVF के बाद भी सक्सेस ना होने के चांसेस होते हैं। तो पहली चीज, जल्दी हायर ट्रीटमेंट मतलब IVF के लिए ऑप्ट करना चाहिए, टाइम जाया नहीं करना चाहिए कि प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाए कि IVF से ही भी आपको सक्सेस ना मिले, और तीसरी चीज, सही पैटर्न में उसका ट्रीटमेंट अपनी प्रॉब्लम को सही डायग्नोसिस बनने के बाद में जो प्लान बनाया जा रहा है सही तरीके से करना बहुत जरूरी होता है। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि लेट 30s में लगभग 30% लोगों में देखा गया है कि एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है, दिखाई देती है। कभी कभी ये सिम्टम्स भी नहीं बताते हैं, यूट्रस बड़ा आता है कि यूट्रस में सूजन हो गई है। अच्छी अल्ट्रासाउंड मशीन में ये चीज़ें काफ़ी पहले डिटेक्ट हो जाती हैं, तो इनका फॉलोअप रखना कि ये चीज़ बढ़ तो नहीं रही है, और यदि बढ़नी शुरू हो जाती है या सिम्टम होने लगते हैं तो इनके जल्दी मेडिकल मैनेजमेंट को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा हमने डिस्कस किया कि एडिनोमायोसिस के ट्रीटमेंट में यूट्रस को मेडिसिन और इंजेक्शन से सिकुड़ा के नॉर्मल साइज का करके उसके अंदर की स्वेलिंग को कम करके एम्ब्रियो बना के डालना चाहिए ताकि अच्छा इम्प्लांटेशन रेट मिल सके और प्रेगनेंसी जल्दी आ सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यूट्रस का मेंसेस आपके रोकने पड़ते हैं और बिना मेंसेस के लाइनिंग बना के यूट्रस में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसे डाउन रेगुलेटेड FET कहते हैं, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब बहुत ज़रूरी है कि इन पेशेंट्स में यदि मेंसेस रुक जाएंगे तो ये सारे एंडोमेट्रियल फ्लेक्स सूख जाते हैं और यूट्रस नॉर्मल साइज़ का हो जाता है। प्रेगनेंसी हो जाने पर मेंसेस फिर नहीं आते और ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। प्रेगनेंसी और एडिनोमायोसिस में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यदि ये पेशेंट्स प्रेग्नेंट होते हैं तो इन पेशेंट में अर्ली मिसकैरेज का डर रहता है, इनमें अर्ली डिलीवरी का डर रहता है, बच्चे की ग्रोथ ना हो, वेट कम हो, बच्चे के आसपास पानी कम हो, इसके साथ में एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन जैसे प्लेसेंटा लोअर पार्ट में होना या प्लेसेंटा बहुत बुरी तरह से यूट्रस में चिपका होना जिसे एक्रीटा परक्रीटा या इनक्रीटा कहते हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होना, हो सकता है समय से पहले डिलीवरी कराने की ज़रूरत पड़ जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट, चूँकि ये पेशेंट्स मोस्टली हायर एज ग्रुप के होते हैं इनमें BP की प्रॉब्लम आने के भी चांसेस एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन की वजह से, एबनॉर्मल कनहरी के जोड़ बनने की वजह से हो सकते हैं। तो मेरा सारे यंग फीमेल्स जो अभी प्लान कर रही हैं उनसे रिक्वेस्ट है, यदि आपकी रिपोर्ट में एडिनोमायोसिस की डायग्नोसिस है तो आप एक अच्छे फर्टिलिटी कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, विदाउट वेस्टिंग टाइम ठीक से डायग्नोसिस बनाएं और उसे कंट्रोल करें इसके पहले कि आपका यूट्रस और ख़राब हो जाए और फिर प्रेगनेंसी होने के कोई चांस उसमें ना रहें और हमें सरोगेसी के लिए जाना पड़े।
टाइमली आप डिसाइड करेंगे तो माइल्डर डिग्री की एडिनोमाइसिस बहुत से लोगों को मिलती है और सही ट्रीटमेंट मिलने से उन्हें प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन आप चीज़ों को पोस्टपोन करेंगे तो सारी चीज़ें हमारे हाथ से बाहर चली जाती हैं, बिकॉज हम केवल 5वें दिन का एम्ब्रियो बना सकते हैं, उसको जोड़ के 9 महीने का बच्चा बना के 2.5 किलो का स्वस्थ बच्चा बना के निकालने का काम यूट्रस का होता है, और ये प्रॉब्लम पूरी तरह से यूट्रस को ही अफेक्ट कर रही है। तो ये बॉडी टू बॉडी मतलब डिपेंड करता है कि मेडिसिन का कैसा रिस्पॉन्स आपका यूट्रस देता है और इम्प्लांटेशन रेट मेडिसिन से कितने इम्प्रूव होते हैं। तो डोंट डिले, कंसल्ट योर डॉक्टर अर्ली एंड टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट। यदि कोई पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट पे मतलब मेडिसिन इंजेक्शन और मिराना डिवाइस पे है तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब ये मेडिसिन बंद की जाती है तो रिकरेंस भी 20-25% लोगों में फिर से हो जाती है। इवन 2-5 साल तक का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी जब ये मेडिसिन बंद की जाती है तो यूट्रस फिर से सूजने लगता है। ये प्रॉब्लम ही मेंसेस से होती है, जो मेंसेस का ब्लड यूट्रस के अंदर घुस जाता है। ये यूट्रस की एंडोमेट्रियोसिस है और जब तक लेडी को मीनोपॉज नहीं हो जाएगा, आइदर प्रेगनेंसी हो जाए, मेंसेस बंद हो जाए, या मीनोपॉज हो जाए, या हम गोलियों से या इंजेक्शन से मेंसेस बंद कर दें, तब तक ये प्रॉब्लम बनी रह सकती है। बेस्ट ऑफ लक। और मुझसे कोई काउंसलिंग या कंसल्टेशन आपको एडिनोमायसिस के लिए लेनी है तो मैंने नीचे नंबर दिया है, आप मुझसे बेझिझक होके कंसल्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को आपसे रिलेटेड खास लोग जिनको ये प्रॉब्लम है, जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उनसे शेयर करिए ताकि वो भी सही डिसीजन लें और अपनी मंजिल तक जल्दी पहुँचें। थैंक यू।